इरिस वॉल्फ हाउंड डॉग फैक्ट इन हिंदी अल्टीमेट चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू मेक अस अप एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर न्यू अपडेट्स सो गाइस एंजॉय द वीडियो Hey guys, the Ultimate Channel में आपका स्वागत है मेरा नाम है आदित्य तो दोस्तों हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम एक ऐसे डॉग ब्रीड की बात करेंगे जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट डॉग ब्रीड है आपको लग रहा होगा ग्रेट डेन लेकिन ये है आयरिश वुल्फहाउंड आप में से ज्यादातर लोग शायद आयरिश वुल्फहाउंड की डॉग ब्रीड को ना जानते हो लेकिन आपको बता दे कि ये डॉग आयरलैंड से आते हैं और इनकी हिस्ट्री की बात करें तो पेंटिंग्स वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सबको देख के कहा जाता है कि ये लगभग 7000 BC से ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं हालांकि पहले के टाइम में उस टाइम के आयरिश वुल्फहाउंड और भी ज्यादा लार्ज साइज के हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे डेवलप होते होते आज के टाइम में ये आके थोड़े छोटे हो गए हैं जैसे कि बताइए आयरलैंड से है इसलिए इनके नाम के आगे आयरिश लगता है और दूसरा जो है वुल्फहाउंड वो इसलिए है क्योंकि इन्हें वुल्फ का शिकार करने के लिए यूज किया जाता था इन्हें एज अ हंटिंग डॉग यूज किया जाता था सिर्फ वुल्फ का शिकार के लिए नहीं और भी बड़े बड़े जानवर जैसे कि रेंडियर वगैरह हो गए उनका शिकार करने के लिए भी इन डॉग्स को यूज किया जाता था हालांकि आज के टाइम में इनको हंटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता उतना लेकिन कुछ लोग करते हैं और बहुत से लोग इनको अपने घर एज अ पेट भी रखते हैं लेकिन हाँ ध्यान रखें कि इनको अपार्टमेंट पे नहीं रखा जा सकता बिकॉज ये काफी लार्ज साइज के होते हैं और इनको घूमने फिरने के लिए काफी सारे स्पेस की जरूरत होती है इन लोगों को वही लोग रख सकते हैं जिनके पास काफी बड़ा घर है और उनके पास बैकयार्ड भी होना चाहिए या फिर काफी बड़ी छत होनी चाहिए जहाँ पे ये लार्ज साइज के डॉग भाग सके इधर से उधर और फ्रीली घूम सके इनके हाइट की बात करें तो लगभग सभी लोगों को पता है कि ग्रेट डेन सबसे टॉलेस्ट डॉग होते हैं और रिकॉर्ड भी होल्ड कर रखा था एक ग्रेट डेन ने जिसका नाम था ज्यूस जो कि 45 इंचेस के आसपास का था लेकिन आयरिश वुल्फहाउंड का सबसे टॉलेस्ट डॉग ब्रीड कहा जाता है लेकिन आपको बता दूं कि इनके अलावा भी बहुत से ऐसे डॉग ब्रीड है जो कि पूरी तरीके से प्योर नहीं है लेकिन उनकी हाइट आयरिश वुल्फहाउंड से ज्यादा हो सकती है आयरिश वुल्फहाउंड की एवरेज हाइट ही करीब 33 इंचेस से लेके 36 इंचेस तक हो सकती है और वो उससे भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं इन डॉग्स की अगर इंडिया में बात करें तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास ये डॉग होंगे मैंने आज तक इन डॉग्स को फेस टू फेस कभी नहीं देखा और शायद इंडिया में देखने को ना मिले बिकॉज जिनके पास ये डॉग होंगे इंडिया में वो डॉग ब्रीडर ही होंगे और नॉर्मल लोगों के पास ऐसे डॉग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे इनके बिहेवियर की बात करें तो भले ही ये इतने बड़े साइज के डॉग हो और हंटिंग डॉग की कैटेगरी में आते हो और अच्छे गार्ड डॉग भी हो लेकिन फिर भी ये बहुत ही काम और जेंटल डॉग्स है हाँ ये घर में शैतानी करते हैं लेकिन कौन सा डॉग शैतानी नहीं करता इतने बड़े साइज के डॉग है इसलिए इनको काफी सारी एक्सरसाइज की भी जरूरत पड़ती है इनको हर रोज कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज की नीड पड़ती है और इनके वेट की बात करें तो इनका वेट उतना ज्यादा नहीं होता इनका एवरेज वेट करीब 50-60 kg तक होता है और ये काफी लीन बॉडी वाले डॉग्स होते हैं बिकॉज ये साइट हाउंड है जिस वजह से इनकी फिजिकल बॉडी काफी लीन है जो इनको भागने में हेल्प करती है ये काफी रॉयल डॉग्स होते हैं यहाँ तक कि इंग्लैंड की क्वीन के पास भी ये डॉग्स एज अ गार्ड डॉग रहते हैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड आयरिश वुल्फहाउंड के बारे में उम्मीद है आपको इन डॉग्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा कि ये कौन सी डॉग ब्रीड है और किस टाइप की डॉग ब्रीड है और ऐसे डॉग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करें इस वीडियो पे थैंक यू